सलाम अलैकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम मध्ये आपले स्वागत आहे। मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, स्क्रीनवर आपणास वाघ दिसत आहे। घाबरू नका, स्क्रीनवरून वाघ बाहेर येणार नाही। वाघ हा भारताचा राष्ट्रपशु आहे, तसेच मोर राष्ट्रपक्षी आहे। आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 12 मोर अभ्यासणार आहोत। याचे लेखक आहेत पा पी घरत आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। पाठ क्रमांक 12 मोर, लेखक आहेत पा पी घरत, 1931। ज्येष्ठ लेखक, त्यांची आपली वनश्री, आपले वैभव, आपल्या लोकमाता आणि पिके, महान शिष्य एकलव्य, नेहरू नक्षत्रालय, आई आली आहे, आदिवासींच्या माता, भूमातेचा कोप भूकंप, हिरवे सोने, महाराष्ट्र देश महान, वन्य पशु विषयक समज गैरसमज इत्यादि पुस्तके प्रकाशित आहेत। ये एक बहुत ही अजीम लेखक हैं। इनकी लिखी हुई कई सारी मशहूर किताबों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मुसन्निफ की तहरीर करदा कुछ किताबें यहाँ पर नजर आ रही हैं। लाइब्रेरी से इन किताबों को हासिल करके इनका मुताला करने की कोशिश कीजिए। प्रस्तुत पाठात लेखकाने वन्य पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती असून आपण त्यांचे रक्षण करायला हवे असा संदेश दिला आहे। तसेच मोर या पक्ष्यास राष्ट्र पक्षी हा किताब कसा मिळाला या मागील इतिहास उलगडून दाखवला आहे। इस सबक में मुसन्निफ ने ये बताया है कि जंगली जरिंद और परिंद हमारी कौमी दौलत हैं, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए, ऐसा संदेश दिया है। इसी तरह मोर इस परिंदे को कौमी परिंदा ये एजाज किस तरह मिला इसकी तारीख बयान की है। विद्यार्थी मित्रांनो, पृष्ठ क्रमांक 33 आणि 34 वर पाठ क्रमांक 12 मोर आहे। आपणास लाल रंगाचा एरो दिसत आहे। जहां पर लाल रंग का एरो नजर आ रहा है वहां से हमें सबक को आज समझना है। इससे पहले का हिस्सा हमने भाग एक वीडियो में मुकम्मल कर लिया है। इस पाठ के भाग एक आखिरी पैराग्राफ में हमने दुनिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ रंगों के मोरों के बारे में मालूमात हासिल की थी। स्क्रीन पर आप उन तस्वीर को देख सकते हैं। तो अब हम सबक की शुरुआत करते हैं। ज्या ठिकाणी माणसाची वहिवाट नसेल अशा अडगडीच्या सुरक्षित जागी एक खड्डा खणून लांडोर त्यात अंडी घालते। वहिवाट नसेल, वहिवाट वर्दळ हालचाल, वहिवाट नसणे वर्दळ नसणे। अडगडीच्या इसका मतलब है अडचणीच्या। लांडोर मोराची मादी,
मोरनी। यहां पर लेखक बता रहे हैं कि ज्या ठिकाणी जिस जगह पर माणसाची वाहिवाट नसेल, इंसानों का आना जाना नहीं होगा, अशा अडगड़ीच्या सुरक्षित जागी, ऐसे रुकावट के महफूज मकाम पर, एक खड्डा खणून, एक गढ़ा खोदकर, लांडोर मोरनी, त्यात अंडी घालते, उसमें अंडे देती है। मोराच्या घरट्यात साधारणपणे 4 ते 10 अंडी सापडतात। घरटा घोंसला, मोर के घोंसले में आमतौर पर 4 से 10 अंडे दिखाई देते हैं, मिलते हैं। ही अंडी आकाराने कोंबडीच्या अंड्याच्या दुप्पट मोठी असतात। आकार यानी जसामत, ये जो अंडे होते हैं वो मुर्गी के अंडे से जसामत में डबल होते हैं, उनकी साइज मुर्गी के अंडों से डबल होती है। साधारणपणे 1 महीन्यात लांडोर आपली अंडी उबवते। उबवणे उष्णता देणे। अंडे भी आप देख सकते हैं तस्वीर में, आपको नजर आ रहे हैं। लेखक कह रहे हैं आमतौर पर 1 महीने में मोरनी अपने अंडों को गर्माती है, उसको गर्मी पहुंचाती है। अंड्यातून पिल्लू बाहेर आले की लांडोर त्यांना 2 दिवस आपल्या अंगाखाली ठेवते। अंडों से बच्चे बाहर आते हैं तो मोरनी उन्हें 2 दिन तक अपने जिस्म के नीचे रखती है। क्यों रखती है? ताकि उन्हें तहफ्फुज़ फराहम कर सके। पाठ सहा पीले निघाली कि बाकी ची अंडी तशीच टाकून लांडोर आपल्या पिलांना घेऊन गवताळ अथवा झुडपाच्या जागी लपून बसते। 5-6 बच्चे निकलते हैं, 5-6 पिल्ले निघाली, 5-6 बच्चे निकले कि बाकीची अंडी तशीच टाकून, बाकी के अंडे वैसे ही छोड़कर लांडोर आपल्या पिलांना घेऊन मोरनी अपने बच्चों को लेकर गवताळ, गवताळ यानी घास फूस अथवा या झुडपाच्या जागी लपून बसते, झाड़ी के मकाम पर छुपकर बैठती है। तिथे जवळ जवळ 15 दिवस किंवा पिलांना उडता येईपर्यंत ती राहते। तिथे वहां जवळ जवळ यानी तकरीबन 15 दिन, 15 दिवस, 15 दिन किंवा या पिलांना उडता येईपर्यंत यानी बच्चों को उड़ने आने तक राहते रहती है। शत्रु पासून पिलांना त्रास होऊ नये म्हणून ती फार सावध असते। शत्रु दुश्मन, दुश्मन से उसके बच्चों को तकलीफ ना हो, त्रास होऊ नये म्हणून ती फार सावध असते, इसलिए वह बहुत चौकन्ना रहती है। सावध रहना, चौकन्ना रहना। तरी ही शत्रु लांडोरीला फसवून त्यातली 3-4 पिले तरी खातोच। तरी ही शत्रु, फिर भी ये दुश्मन लांडोरीला फसवून, मोरनी को फंसाकर, त्यातली 3-4 पिले तरी खातोच, उसमें से 3-4 बच्चे तो खा ही जाता है। मोर यावेळी लांडोरी जवळ राहत नसल्याने लांडोरीला पिलांचे संरक्षण करावे लागते। क्यों करना पड़ता है मोरनी को पिलों की हिफाजत? उसकी वजह यहां पे दी गई है। मोर यावेळी, मोर इस वक्त मोरनी जवळ राहत नसल्याने, मोरनी के पास नहीं रहता है, इसलिए लांडोरीला पिलांचे संरक्षण करावे लागते। मोरनी को बच्चों की हिफाजत करनी पड़ती है, यानी अकेली मोरनी जो होती है वो पिलों की हिफाजत करती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं मोरनी अपने अंडों को गर्मा रही है और दूसरी तस्वीर में मोरनी अपने बच्चों के साथ दिखाई दे रही है। मोराचा केकारो वर्षा ऋतूचे आगमन सुचवणारा आहे। केकारो याचा अर्थ आहे मोराचा आवाज। वर्षा ऋतू पावसाळा, आगमन
येणे, प्रवेश करने। मोर की आवाज बारिश के मौसम का इशारा देती है। मोर की आवाज हमें बारिश का मौसम आने का इशारा देती है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म उन्हाड़ा, गर्मी का मौसम। ग्रीष्म ऋतु संपता संपता उष्णता असह्य होते, असह्य न सहन होनारी, नाकाबिले बर्दाश्त। गर्मी का मौसम खत्म होते होते गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। त्या वेळी येणारा वर्षा सूचक के कारो शेतकऱ्यांमध्ये नवीन आशेचा संचार करतो। त्यावेळी उस वक्त येणारा आने वाला, बारिश का इशारा देने वाला वर्षा सूचक, बारिश का इशारा देने वाला के कारो यानी मोर की आवाज शेतकऱ्यांमध्ये किसानों में नवीन आशेचा नई उम्मीद का संचार करता है। संचार भ्रमंती विहरने, संचार करने, विहार करने, भटकने। अब यहां पर मुसन्निफ कह रहे हैं कि किसानों में नई उम्मीद की किरण जगा देता है, नवीन आशेचा संचार करतो। ती लवकरच येणाऱ्या पावसाची पूर्व सूचना असते। पूर्व सूचना, अगोदर दिलेली सूचना, कबल अज़ वक्त दी गई हिदायत। वो आवाज जल्द ही आने वाली बारिश की कबल अज़ वक्त हिदायत होती है। वर्षा ऋतु हा आनंदाचा काल आहे। बारिश का मौसम ये खुशियों का दौर है। काल यानी दौर, आनंद यानी खुशी, आनंदाचा काल आहे, खुशियों का दौर है। तळ्याची पाळ, तळ्याच्या बाजूची पाणथळ जागा, तालाब के पास की दीवार। हिरवीगार कुरणे यानी हरे भरे खेत। देवालयाची उंच शिखरे यानी मंदिर की ऊंची चोटियां। नदी नाले। ओहोळाचे काठ, ओहोळ ओढा, झिरपणी, चश्मा, काठ यानी किनारा, चश्मे के किनारे। ही यावेळी ये इस वक्त मोराच्या स्वैर विहाराची स्थाने असतात। स्वैर या शब्दाचे अर्थ आहे स्वच्छंदी, विहार, क्रीडा, फिरणे, भटकणे। स्वैर विहार, स्वच्छंद भटकणे। तो ये सारे मकामात जो हैं मोर के आजादी से घूमने के मकामात हैं। मोर इन जगहों पर पाया जाता है उन दिनों में। मोर नेहमी आपल्या निवास स्थानापासून 1.5 ते 2 किलोमीटरच्या परिसरात वावरतो। निवास स्थान, राहते ठिकाण, घर, रहने की जगह। मोर नेहमी, मोर हमेशा आपल्या निवास स्थानापासून अपने रहने की जगह से 1.5 ते 2 किलोमीटरच्या परिसरात वावरतो। आधे से 2 किलोमीटर के इलाके में घूमता है। चारा सापड़ेल त्याप्रमाणे तो फिर तो। गिजा मिलेगी उस लिहाज से वो घूमता है, खाने की तलाश में रहता है बच्चों। तो आपला चारा दिवसाच शोधतो, वो अपनी गिजा दिन ही में तलाश करता है। काळोख पडण्यापूर्वी तो आपल्या जागेवर येऊन पोहोचतो। अंधेरा होने से पहले वो अपनी जगह पर पहुंच जाता है। पहाट होताच मोर जागा होतो। सुबह होते ही मोर नींद से बेदार हो जाता है। ज्या झाडावर त्याने झोप घेतली असेल तिथूनच बसल्या बसल्या तो बांग देतो।
ज्या झाडावर त्याने झोप घेतली असेल, इसका मतलब है जिस दरख्त पर उसने नींद ली होगी, तिथूनच बसल्या बसल्या वहीं पर बैठे बैठे वो बांग देता है। बांग देना, बांग देने ओरडने। आपने मुर्गे की बांग भी सुनी होगी, इसी तरह जो है मोर भी बांग देता है। थोड़ा वेळ आपले पंख सावरून तो वरून खाली टेहळणी करतो। टेहळणी करने, गस्त घालने, मागोवा घेणे। यहाँ पे मुसन्निफ कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, थोड़ा वक्त अपने आप को संवार कर वो ऊपर से नीचे नजर रखता है। यहाँ पर मुसन्निफ कह रहे हैं, थोड़ा वक्त वो अपने पर को संवार कर ऊपर से नीचे नजर रखता है। सूर्योदया पूर्वी अर्धा तास तो झाड़ा खाली उतरतो। सूर्योदय के माने होते हैं सूरज का तुलू होना। तो सूरज तुलू होने से, सूरज निकलने से आधा घंटा पहले वो दरख्त से नीचे उतरता है। पाळीव मोर असेल तर ज्या ठिकाणी लोक त्याला दाणे घालत असतात त्या ठिकाणी न चुकता तो नेमक्या वेळी येतो। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं पाळीव मोर, यानी अगर पालतू मोर होगा तर ज्या ठिकाणी, जिस जगह पर लोग त्याला दाने घालत असतात, लोग उसे दाने देते हैं, दाने डालते हैं, त्या ठिकाणी न चुकता तो नेमक्या वेळी येतो। उसकी जगह पर वो सही वक्त पर पहुंच जाता है। यानी मोर को वक्त का अंदाजा हो जाता है, जिस वक्त उसे लोग दाने डालते हैं तो बराबर वो उस मकाम पर मौजूद होता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं दरख्त पर बैठा हुआ आपको मोर नजर आ रहा है। इतर अनेक पक्ष्यांपेक्षा मोर मनुष्याच्या अगदी जवळ येऊ शकतो। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं इतर अनेक, इन्हें दीगर कई परिंदों के अलावा मोर इंसानों के अगदी जवळ, इन्हें बिल्कुल करीब आ सकता है, येऊ शकतो, आ सकता है। सकाळी किंवा संध्याकाळी अंगणात दाणे टिपण्यासाठी येणारा मोर लहान मुलाच्या हातून केव्हा दाणे खाऊ लागतो ते ध्यानी सुद्धा येत नाही। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं सकाळी किंवा संध्याकाळी, सुबह या शाम के वक्त अंगणात, आंगन में दाणे टिपण्यासाठी, दाणे चुगने के लिए येणारा मोर, आने वाला मोर, लहान मुलाच्या हातून, छोटे बच्चों के हाथ से केव्हा दाणे खाऊ लागतो, कब दाणे खाने लगता है ते ध्यानी सुद्धा येत नाही। ध्यानी लक्षात, ध्यानी सुद्धा येत नाही म्हणजे लक्षात सुद्धा येत नाही, ये समझ में भी नहीं आता, हमारा ध्यान भी उस जानी नहीं जाता है। मोराला राष्ट्रीय पक्षियाचे स्थान दिल्याने त्याची जोपासना व्हावी। मोराला राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान दिल्याने, इसके मतलब है मोर को कौमी परिंदे का मकाम दिए जाने की वजह से त्याची जो उपासना वावी, उसकी भी हिफाजत होनी चाहिए। जो उपासना करने, पालन पोषण करने, कालजी करने, उसकी भी हिफाजत करनी चाहिए, उसका पालन पोषण भी किया जाना चाहिए, क्योंकि उसे राष्ट्र पक्षी का दर्जा दिया गया है, कौमी परिंदा का दर्जा मिला है उसे। मोराला राष्ट्रीय पक्ष्याचे स्थान प्राप्त झाल्याने आपल्या भारतवर्षात पक्ष्यांविषयी प्रेम वाढीस लागेल अशी आशा वाटते। लेखक कहते हैं मोराला राष्ट्रीय पक्ष्याचे स्थान प्राप्त झाल्याने, मोर को कौमी परिंदे का मकाम हासिल होने की वजह से आपल्या भारतवर्षात, अपने भारत देश में पक्ष्यांविषयी यानी परिंदों के मुताल्लिक प्रेम वाढीस लागेल, मोहब्बत में इजाफा होगा अशी आशा वाटते, ऐसी उम्मीद है। यहाँ पर हमारा ये सबक खत्म होता है। आपको भाग एक और ये भाग दो, दोनों वीडियो में सबक को बार बार देखना है, अल्फाज के मानी देखना है, सबक के मानी समझना है, क्योंकि इम्तिहान में हमेशा आपको उतारा आता है और उसमें से आपको सवाल दिए जाते हैं। जब तक आप सबक को पूरी तरह नहीं समझेंगे आप वहां पर सवाल जवाब हल नहीं कर पाते, इसलिए इस वीडियो को सामने किताब रखते हुए बार बार देखें, जुमलों के अल्फाज के मानी समझें,
और अब हम बढ़ते हैं कृति की जानिब। तलातराता कृतिला सुरुवात करूया। एक, आकृति बंद पूर्ण करा। मोराच्या स्वैर विहाराची स्थान तळ्याची पाळ, हिरवीगार कुरण, देवालयाची उंच शिखर, नदी नाले, ओहोळाचे काठ। दोन, राष्ट्र पक्षी हा मानाचा किताब मिळवण्यासाठी मोराकडे असलेली पक्षी वैशिष्ट्ये। आपको यहां पर बताना है, जो मोर को कौमी परिंदे का एजाज दिया गया तो उसके पास कौन सी खसूसियात थी, उन खसूसियात को आपको यहां पेश करना है। रंग, शरीर सौष्ठव, कलात्मकता, कंठस्वर। तीन, कंसातील योग्य पर्याय शोधा व लिहा। ब्रैकेट में दिए गए सही पर्याय को आपको तलाश करना है और लिखना है। अ, टिंब टिंब मोर सापड़त नहीं। तीन ऑप्शन है यहां पर, तीन पर्याय है, तीन पर्याय है यहां पर, आग्नेय आशियात, ब्रह्म देशात, हिमालयात। करेक्ट आंसर है हिमालयात, हिमालयात मोर सापड़त नहीं। आ, मोर हा टिंब टिंब पोट जातीचा पक्षी आहे। तीन पर्याय आहेत, कोंबडीच्या, शहामृगाच्या, बदकाच्या। कोंबडीच्या, मोर हा कोंबडीच्या पोट जातीचा पक्षी आहे। चार, एका शब्दात उत्तर लिहा। अ, मोराच्या ओरडण्याला म्हणतात काय? म्हणतात केकारव। आ, मोराचा आनंदाचा काळ वर्षा ऋतू। पाच, मोराच्या दैनंदिनीचा ओग तक्ता बनवा। आपको यहां पर मोर की डायरी का एक ओक तख्ता तैयार करना है, वो किस तरह दिन भर में क्या क्या काम अंजाम देता है वो हमें यहाँ तैयार करना है। पहाड़ होता मोर जागा हो तो, ये खाली है, लिखना है उसके बाद वो क्या करता है, ये भी लिखना है। टेहलनी कर तो, ये भी लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड बॉक्स में क्या आएगा। झाड़ावर बसल्या बसल्या तिथूनच बांग देतो, थोड़ा वेळ पंख सावरतो, फिर टेहळणी करतो, इसके बाद है सूर्योदयापूर्वी अर्धा तास झाडाखाली उतरतो। सहा, जोड्या लावा। अगट बगट दोन गट दिलेले आहेत, आपणास जोड्या लावायच्या आहेत। अ, आफ्रिकेत आढळणारे मोर। आ, हिमालयाच्या पूर्व भागात आढळणारे मोर। ई, आग्नेय आशियात आढळणारे मोर। या ठिकाणी आढळणाऱ्या मोरांचे रंग आपणास लिहायचे आहेत। आता इथे तीन रंग दिलेले आहेत, हिरव्या छटांचे, निळ्या जांभळ्या रंगांचे, राखाळी रंगांचे। आता आपणास योग्य उत्तर लिहायचे आहेत। आफ्रिकेत आढळणारे मोर निळ्या जांभळ्या रंगाचे, हिमालयाच्या पूर्व भागात आढळणारे मोर राखाळी रंगाचे, ई, आग्नेय आशियात आढळणारे मोर हिरव्या छटांचे। सात, वैशिष्ट्ये लिहा। अ, ब्रह्मदेशातील मोर।
सुसियार लिखना है आपको। सबसे पहले अ है ब्रह्म देशातील मोर, एक दोन, दो खुशियात आपको यहाँ पर उसकी लिखना है। दोन वैशिष्ट्य लिहायची आहेत। पहिला आहे मोराच्या रंगात निळ्या ऐवजी हिरव्या छटा जास्त असतात। दुसरा वैशिष्ट्य त्यांची शेपटी खाकी रंगाची असते। आ हिमालयाच्या पूर्व भागात आढळणारे मोर, याचेही वैशिष्ट्य लिहायचे आहेत एक आणि दोन। पहिला आहे राखाळी रंगाचे मोर असतात, दुसरा त्यांच्या पंखांवर हिरव्या रंगाचे डोळे असतात। आठ कारणे शोधा आणि लिहा, वजुहात लिखना है आपको। अ लांडोरीला पिलांचे संरक्षण करावे लागते कारण, मोर त्यावेळी लांडोरीजवळ राहत नाही। आ मोराला राष्ट्रपक्षी होण्याचा मान मिळाला कारण, मोराला राष्ट्रपक्षी होण्याचा मान मिळाला कारण अनेक पक्ष्यांच्या नावातून एक नाव निवडण्यासाठी ज्या अनेक कसोट्या लावण्यात आल्या त्या सर्व कसोट्यात मोर उत्तीर्ण झाला। नऊ खालील माहिती वाचून त्या आधारे तक्ता पूर्ण करा। क्रियापदांचे काल, क्रियापद एक क्रियेचा बोध होतो, दोन क्रिया कोणत्या वेळी घडली याचा बोध होतो। हम यहाँ पर टेंस देख रहे हैं, फेल के जमाने देख रहे हैं। लक्षात ठेवा क्रियापदावरून क्रिया घडण्याच्या वेळेचा जो बोध होतो त्याला काळ असे म्हणतात। ये मराठी में काळ इस शब्द की तारीफ दी गई है। काळाचे मुख्य तीन प्रकार आहेत, वर्तमान काळ, भूतकाळ, भविष्यकाळ। आता आपण काळ त्यांचे वैशिष्ट्ये आणि वाक्य पाहणार आहोत। काळ वर्तमान काळ, क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया घडत आहे असे समजते। एक वाक्य दिलेलं आहे मी अभ्यास करतो, अभ्यास करण्याची क्रिया घडत आहे। भूतकाल क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया पूर्वी घडून गेली आहे असे समजते। मी अभ्यास केला, मैंने अभ्यास किया, क्रिया पूर्ण झालेली आहे। भविष्यकाळ क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया पुढे घडणार आहे असे समजते। मी अभ्यास करीन, क्रिया पुढे घडणार आहे। आता आपण क्रियापद आणि क्रियापदांचे काळ पाहूया, वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ। खेळणे, खेळतो, खेळलो, खेळेन। बघणे, बघतो, बघितले, बघेन। करणे, करतो, केले, करेन। खाणे, खातो, खाल्ले, खाल्ले,
खाइन, वाचने, वाच तो, वाचले, वाचीन। इस तरह से हमने क्रियापदों के वर्तमान, भूत और भविष्य काल को यहां पर देखा। इसको भी आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है। धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल। आज आपण जे शिकलात, समजून घेतलात, याबाबत धन्यवाद देते। पुन्हा भेटूया पुढच्या तासात।